हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 11th बॉटनी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने बॉटनी का फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हम पढ़ रहे हैं, और सीरीज में मेरे लेक्चर का ये पार्ट 4 है। तो जिन्होंने इससे पहले के जो पार्ट है वो नहीं देखे, वो लिंक में जाके देख सकते हैं। एंड टुडेज टॉपिक इज टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टैक्सोनॉमी। सो स्टूडेंट, टैक्सोनॉमी का ग्रीक वर्ड होता है। टैक्सोनॉमी बेसिकली टू वर्ड से मिलके बना है। तो टैक्सोनॉमी में टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। टैक्सिस मींस अरेंजमेंट एंड नोमस मींस लॉज आर रूल्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मींस द अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लॉज। तो टैक्सोनॉमी में हम अरेंजमेंट करते हैं। टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, इसका ग्रीक वर्ड क्या कह रहा है? ग्रीक वर्ड कह रहा है कि हम इसमें अरेंजमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन लॉज और रूल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट कि किस चीज का हम अरेंजमेंट करते हैं। टैक्सोनॉमी में हम किसका अरेंजमेंट करते हैं? तो स्टूडेंट, अरेंजमेंट हम करते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स का। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिग्री एंड बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी। तो डिग्री एंड बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी में हमने पढ़ा था कि हमारे अर्थ पे यहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी है। तो उस डाइवर्सिटी में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अप टू डिग्री एंड डाइवर्सिटी के टॉपिक तक हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारे अर्थ प्लैनेट पे कितनी वास्ट डाइवर्सिटी है। तो इस टॉपिक में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उन ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अब हमने उनको क्या करना है, अरेंज करना है। मतलब उनको हमने एक सीक्वेंस में हमने उनको क्लास प्रोवाइड करनी है। तो हमने सीरीज में आगे हमने पढ़ना है कि कैसे हमने उनका अरेंजमेंट करना है। तो टैक्सोनॉमी वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि अरेंजमेंट, अरेंजमेंट करना है कुछ लॉज और रूल्स के बेस पे। किसको अरेंज करना है, ऑर्गेनिजम्स को। जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी वास्ट डाइवर्सिटी है, उसको हमने अरेंज करना है लॉज और कुछ रूल्स के बेस पे, मतलब प्रिंसिपल्स के बेस पे हमने उनको अरेंज करना है। ठीक है, तो नाउ ये जान लेते हैं कि जो टैक्सोनॉमी है ये वर्ड किसने दिया। द टैक्सोनॉमी टर्म वाज काइंड बाय एपीडी कैंडोल। अगेन एपीडी कैंडोल इन द ईयर 1813। ठीक है, ओके। नाउ question arises that how we can define the term taxonomy. Taxonomy is the branch of science that deals with the study of identification, nomenclature and classification of organism. Let me repeat again. Actually, taxonomy जो है ये branch है science की। It is a branch of science, और इस branch में हम study करते हैं। जैसे हमने इसके ग्रीक वर्ड से अंडरस्टैंड किया था कि हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं कुछ लॉज और रूल्स के बेस पे, तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी में हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। और अरेंजमेंट के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को किसी क्लास में हम प्लेस करना चाहते हैं, उसको क्लासीफाई करना चाहते हैं, उसको अरेंज करना चाहते हैं, उसको एक कंप्लीट ऑर्डर प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, और जब आइडेंटिफिकेशन हो गया तो देन सेकंड हम क्या करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। मींस हम उसको क्या करेंगे, नेम प्रोवाइड करेंगे। जब हमने नोमेनक्लेचर कर लिया तो थर्ड हम क्या करेंगे, उसको हम एक क्लास में प्लेस करेंगे, मींस उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं एंड देन क्लासिफिकेशन करते हैं। किसका, ऑर्गेनिज्म का। क्यों करते हैं, बेसिकली हमने उसको क्या करना है, अरेंज करना है, क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्टन लॉज एंड रूल्स। और ये लॉज और रूल्स जो रहेंगे क्लासिफिकेशन के ड्यूरिंग, जो हम फॉलो करके चलते हैं, ये लॉज और रूल्स हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ यू हैव टू ट्रस्ट दैट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन लॉज एंड रूल्स वी अरेंज ऑल ऑर्गेनिजम्स इन एन ऑर्डर, इन एन सिस्टम वेयर दे आर प्लेस्ड at their suitable position. Okay, so next
who is father of taxonomy? So student, always remember that Carlos Linnaeus is called as father of taxonomy. Okay, again, Carlos Linnaeus जो है वो father है taxonomy के. Okay, so next student, next आ गया, what are the basis of taxonomy? तो what are basis of taxonomy? Actually, basis का मतलब हुआ कि कौन कौन से criterias, कौन कौन सी मतलब कौन कौन से फीचर्स ऑर्गेनिज्म के यूज करके हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं बाय फॉलोइंग सर्टन रूल्स और प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो बेसिकली टैक्सोनॉमिक स्टडीज आर बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म. टैक्सोनॉमिक स्टडीज आर बेस्ड ऑन एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म. टैक्सोनॉमिक स्टडीज आर बेस्ड ऑन साइटोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म. टैक्सोनॉमिक स्टडीज आर बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ कीमोटैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिक स्टडीज आर आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ फिनेटिक्स. सो दीज आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी. ओके, तो फर्स्ट आ गया, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर. कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जो हम यूज करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी करते हैं. ठीक है, तो देन स्टूडेंट हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स पे भी पहुंचेंगे, बट हमें सबसे पहले क्या करना है, टैक्सोनॉमी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, तो फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज आर दोज स्टडीज वेयर वी यूज द फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स वो फीचर्स हुए, वो बेस हुए टैक्सोनॉमी में, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है फिनोटिपिक, फिनोटिपिक अपीयरेंस, मतलब उसका क्या करते हैं हम, उसका हम फिजिकल अपीयरेंस जो है वो यूज करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस की स्टडी को हम कहते हैं, मतलब वो फिनोटिपिक करैक्टर होते हैं, दे आर फिनोटिपिक करैक्टर. तो इसमें हम क्या करते हैं, फिनोटिपिक करैक्टर यूज करते हैं. तो लेट्स सपोज फिनोटिपिक में एक एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. फिनोटिपिक में लेट्स सपोज एक कोई प्लांट है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट स्पीसीज है, न्यू प्लांट स्पीसीज जिसको हमने ऑर्गेनिज्म को उसको क्लासिफाई करना है. तो अगर आपसे कोई कहता है कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट में आप इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर से आप मुझे ये बताओ कि ये बेसिकली डाइकॉट है या मोनोकॉट है. ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में यहाँ पे कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, यहाँ पे जैसे हम लीव्स की बात करें स्टूडेंट, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के जो लीव्स होंगे वो आप इस तरह से देखते हो, उनमें इस तरह का अरेंजमेंट्स होता है, एंड सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो है इस प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ट्रीज. मतलब ज्यादातर प्लांट के जो ट्रीज लीव्स होते हैं, ज्यादातर प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनमें इस तरह का अरेंजमेंट होता है. इस तरह का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, मतलब लीव्स में अगर हम, अच्छा लीव्स में ये लीव का पेटियोल है और ये क्या है इसका मिडल वीन है, और यहाँ पे बहुत सारी इसकी क्या है, वीनलेट्स है. ठीक है, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, लैमिना. ठीक है, इस पार्ट को हम कहेंगे लैमिना. तो लीव के लैमिना में आप देखोगे तो यहाँ पे अरेंजमेंट होगा किसका, वीन्स का और वीनलेट्स का. ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं वेनिशन. ठीक है, तो मतलब मॉर्फोलॉजी में एक हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर यूज करते हैं वेनिशन. ठीक है, तो वेनिशन में अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में इस तरह का जो है लीफ का अरेंजमेंट होता है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेटिक्यूलेट वेनिशन. ठीक है, रेटिक्यूलेट वेनिशन. और रेस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं उनमें लीफ का अरेंजमेंट लगभग क्या होता है, उसमें जो लैमिना में जो लीफ और लीफलेट्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं. जैसे बनाना के केस में आप देखते हो, बनाना का लीफ देखो तो उसमें क्या होगा,
इस तरह का अरेंजमेंट नहीं होगा, लैमिना में इस तरह का अरेंजमेंट नहीं होगा, उसमें पैरेलल अरेंजमेंट होगा वीन्स और वीनलेट्स का, तो उसको हम कहते हैं पैरेलल वेनिशन, ठीक है, रेटिकुलेट वेनिशन और पैरेलल वेनिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली हमारा ये जो कंसेप्ट था ये वेनिशन के बारे में हमारा पढ़ने का क्या पर्पस था, बेसिकली वेनिशन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को यूज करके हम प्लांट्स को क्या करते हैं, एक तरह से उसको हम अरेंज कर देते हैं। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि वो प्लांट्स जिनमें रेटिकुलेट टाइप का वेनिशन होता है, मतलब उनके वो प्लांट्स जिनके लीफ के लैमिना में इस तरह का अरेंजमेंट होता है, मतलब रेटिकुलेट वेनिशन होती है, उन प्लांट्स को मतलब हम डाइकॉट कहते हैं, मतलब वो प्लांट्स डाइकॉट होते हैं। तो क्लासिफाई हो गया, मतलब जिनमें जिनके लीव्स में रेटिकुलेट टाइप की वेनिशन है तो वो डाइकॉट हैं, और जिनमें पैरेलल वेनिशन है तो वो क्या है, मोनोकॉट है। तो सो सिंपल, मोनोकॉट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसिकली ये आपको मैं ये जो करवा रहा हूँ ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, ये आपको आगे एंट्रेंस में क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्ट मिलेंगे कि मतलब रेटिकुलेट वेनिशन वाले लीव्स जो होते हैं वो प्लांट की कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि रेटिकुलेट वेनिशन वाले जो प्लांट होते हैं, रेटिकुलेट जिनमें वेनिशन होती है वो डाइकॉट होते हैं, और जिनमें पैरेलल वेनिशन होती है, एग्जांपल जैसे बनाना, ठीक है, तो वो मोनोकॉट होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे फ्लावर्स के केस में, फ्लावर पेटल्स, ठीक है, फ्लावर पेटल्स, फ्लावर पेटल्स में कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें फोर और फाइव पेटल्स होते हैं, मतलब पेटल्स का नंबर जो होता है, पेटल्स का नंबर, पेटल्स जो है फ्लावर्स के जो पेटल्स होंगे, जो पत्तियां होंगी वो कितनी होंगी, फोर और फाइव, ठीक है, तो फोर और फाइव होंगी, और कुछ जो होती हैं उनमें कितने पेटल्स होते हैं, थ्री पेटल्स, ठीक है। तो फोर पेटल्स अगर होंगे तो इनको हम बोलेंगे टेट्रा, फोर के लिए टेट्रा यूज करते हैं, टेट्रा, ठीक है, और फाइव के लिए पेंटा, फाइव के लिए पेंटा, और थ्री के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई, ठीक है। तो मतलब इनमें टेट्रा टेट्रा मीरस पेटल्स होंगे, मतलब इनमें टेट्रा मीरस होगा, इनमें पेंटा मीरस होगा, और इनमें ट्राई मीरस, एम ई आर ओ यू एस, ट्राई मीरस, ठीक है। तो यहां पे हमारा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को पढ़ने का क्या मतलब था, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस से हमने ऑर्गेनिज्म की क्या कर दी, टैक्सोनॉमी कर दी, मतलब उसको हमने अरेंजमेंट कर दिया। तो यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर दैट वो फ्लावर पेटल्स जिनमें फोर और फाइव पेटल्स होंगे वो कौन से प्लांट के होंगे, वो डाइकॉट होंगे, ठीक है, और जिनमें ट्राइमिरस पेटल्स होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे मोनोकॉट, ठीक है। सो लेट मी रिपीट अगेन, वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और मॉर्फोलॉजिकल बेसिस विच आर यूज ड्यूरिंग द टैक्सोनॉमिक स्टडीज, ओके। सो इन मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसिस, इन मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसिस ऑफ टैक्सोनॉमी वी अंडरस्टैंड दैट हियर इन केस ऑफ लीफ लेमिना अरेंजमेंट वेयर there is a reticulate venation, then that plant leaves belong to dicot family, and if plant leaf lamina's arrangement is parallel then it belong to monocot family, matlab then plant is, if agar reticulate venation hai to plant is dicot, aur monocot agar venation hai to plant is monocot, okay। so plant ke ab petals, flower petals mein humne abhi discuss kiya ki if there is four or five petals in flower, ठीक है, then flower belongs to dicot family, मतलब वो dicot plant का flower है, ठीक है, और अगर उसमें three petals हैं, मतलब अगर trimerous है arrangement में, तो वो क्या होगा, monocot plant होगा, मतलब वो flower monocot plant का होगा। next आ गया anatomy, ठीक है, anatomy, what are the features used in anatomical evidences, ठीक है। तो एनाटॉमी में जैसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को यूज करके, इंटरनल
स्ट्रक्चर्स को यूज करके हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जैसे हम प्लांट्स के इनसाइड अगर हम बात करें इवोल्यूशन में, तो जैसे हम बात करते हैं वेस्कुलर बंडल्स की, है ना, तो प्लांट किंगडम प्लेंटी की बात करो तो किंगडम प्लेंटी में एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, तो ये फाइव मेजर ग्रुप्स हैं। मतलब अगर किंगडम प्लेंटी एक बॉक्स है, लेट्स सपोज एक बॉक्स है, बॉक्स को ओपन अप करो तो बॉक्स में आपको कितने ग्रुप्स मिलेंगे, फाइव ग्रुप्स मिलेंगे। फर्स्ट ग्रुप होगा एल्गी, सेकंड होगा ब्रायोफाइट, थर्ड होगा टेरिडोफाइट, फिफ्थ होगा जिम्नोस्पर्म्स, और लास्ट होगा जो मोस्ट एडवांस होगा, जो मोस्ट एडवांस और मोस्ट डाइवर्स ग्रुप होगा प्लांट का, वो है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो बेसिकली ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बेसिकली यहाँ पे मैं आपको मतलब उस फीचर्स पे लेके जाना चाह रहा हूँ जिस फीचर्स की अभी हम बात करने लगे हैं। बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं जैसे वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल अगर फाइव ग्रुप्स में, अगर आपसे कोई पूछता है कि फाइव ग्रुप्स जो है प्लांट के, किंगडम प्लेंटी के जो फाइव ग्रुप्स थे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो कौन से ग्रुप में वेस्कुलर बंडल का ओरिजिन हुआ, तो वो है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो इसमें हम मोस्टली एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम इसमें हम जो जाइलम मतलब वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल को यूज करते हैं। वेस्कुलर बंडल में आपने पता, आपने डिस्कस किया होगा कि जाइलम एंड फ्लोइम होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जाइलम का स्ट्रक्चर देंगे। ठीक है, इसमें हम जाइलम का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, फ्लोइम। ठीक है, तो मतलब इसमें हम कुछ इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर लेंगे। ये वन ऑफ द मतलब एग्जांपल है जो हम एनाटॉमी में यूज करते हैं। तो देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स व्हिच वी यूज्ड इन टैक्सोनॉमी। ठीक है, सो नेक्स्ट आ गया साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी हो गया सेल्स की स्टडी, सेल्स की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी में जैसे हम सेल्स के जो इंटरनल एरिया होता है, जिसमें जिसमें हम साइटोप्लाज्म की बात करें, फिर हम अगर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें, तो इसमें हम जैसे क्रोमोसोम नंबर यूज करेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू क्लासिफाई, इन ऑर्डर टू अरेंज द ऑर्गेनिज्म इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम साइज, क्रोमोसोम शेप एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ साइटोलॉजिकल एविडेंसीज हैं जिनको हम यूज करते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज में। नेक्स्ट हो गया कीमोटैक्सोनॉमी, एंड ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, कीमोटैक्सोनॉमी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है टैक्सोनॉमिक स्टडीज है। तो इसमें आपको एग्जाम में भी एक सीधा सीधा क्वेश्चन जो है डायरेक्टली मिलेगा, कीमोटैक्सोनॉमी जो है इसमें कौन से फीचर्स यूज किए जाते हैं। तो याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, इन कीमोटैक्सोनॉमी बायोकेमिकल्स आर यूज्ड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम क्या करते हैं, बायोकेमिकल्स को यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। तो इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एल्गल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कीमोटैक्सोनॉमी। क्योंकि वन थिंग यू मस्ट आल्सो रिमेंबर दैट इन एल्गल प्लांट बायोकेमिकल्स आर वेरी स्पेसिफिक, मींस बायोकेमिकल्स आर प्लांट स्पेसिफिक। लिसन केयरफुली, लेट मी रिपीट अगेन, इन एल्गल क्लासिफिकेशन वी यूज कीमोटैक्सोनॉमी इन ऑर्डर टू क्लासिफाई दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। व्हाई वी यूज कीमोटैक्सोनॉमी इन केस ऑफ एल्गल क्लासिफिकेशन, बिकॉज वी नो दैट इन एल्गल प्लांट बायोकेमिकल्स आर वेरी स्पेसिफिक। बायोकेमिकल्स मींस बायोकेमिकल्स, उनमें जो होते हैं उनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो बायोकेमिकल्स उनमें जो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दे आर वेरी ग्रुप स्पेसिफिक। एग्जांपल, अगर आपने एल्गी में कुछ एग्जांपल्स पढ़ी होंगी, जैसे कुछ एग्जांपल आप देखते हो, आप कहते हो ये क्या है, ये रेड एल्गी है, रेड एल्गी। तो आपने क्यों कहा कि ये रेड एल्गी है, रेड एल्गी में रेड बायोकेमिकल होता है। एनदर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हो
ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी बेसिकली ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसमें एक प्लांट स्पेसिफिक बायोकेमिकल है, ठीक है, तो इसलिए ये ग्रीन है। तो इसमें क्या होगा, ग्रीन पिगमेंट होगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेम्बर। सो नेक्स्ट आ गया फिनेटिक्स। फिनेटिक्स इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, और इसमें बहुत से एमसीक्यूज जो है आपको सीधे डायरेक्ट जो है आपको देखने के लिए आगे एग्जाम्स में मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज फिनेटिक्स। सो स्टूडेंट, फिनेटिक्स जो है आल्सो कॉल्ड एज बायोमेट्रिक्स, एंड फिनेटिक्स आल्सो कॉल्ड एज टैक्सीमेट्रिक्स, एडिसनियन टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सारे टर्म्स हैं बेसिकली इनके एक ही मतलब हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स बेसिकली इसलिए मैंने आपको बताई हैं क्योंकि यहाँ एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डायरेक्ट जो है सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई भी टर्म्स जो है आपको दे सकते हैं कि बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी में आपसे ये टर्म पूछ सकते हैं कि द फिनेटिक इज आल्सो कॉल्ड एज, नीचे ऑप्शन में एक बायोमेट्रिक्स हो सकता है, तीन अदर ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर टैक्सीमेट्रिक्स दे सकते हैं, या फिर एडिसनियन वाला ऑप्शन आ जाए। तो मतलब ये आपको कुछ जो नाम है ये याद रखने हैं, ठीक है। तो इनमें हमने कोई डिटेल में मतलब डिस्क्राइब नहीं करना इनको, क्योंकि जितना आपके लिए जरूरी था उतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपको सिंपल फिनेटिक्स टर्म जो है ये क्लियर होनी चाहिए। बेसिकली फिनेटिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फिनेटिक्स सबसे पहले आपको पता है कि ये एक बेस है, मतलब एक एविडेंस है जो हम टैक्सोनॉमी में यूज करते हैं, ठीक है। तो फिनेटिक्स में हम क्या करते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे हैं। द फिनेटिक्स जो है, द फिनेटिक्स इज द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी इन विच वी अरेंज द क्लासिफाई बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल सिमिलरिटी। मीन्स फिनेटिक्स को यूज करके हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं उनकी ओवरऑल सिमिलरिटी को यूज करके, ठीक है। और ओवरऑल सिमिलरिटी में हम क्या यूज करते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स में मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर जो है वो यूज करते हैं, और उसके अलावा कुछ अदर जो ऑब्जर्वेबल करैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स में सीधे सीधे हमें ऑब्जर्व होते हैं, वो हम करैक्टर यूज करते हैं। तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, उस स्टडी को हम कहते हैं फिनेटिक्स आर बायोमेट्रिक्स, टैक्सीमेट्रिक्स आर एडिसनियन सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। और स्टूडेंट, यू मस्ट रिमेम्बर दैट इन फिनेटिक्स वी डोंट यूज फाइलोजेनी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फिनेटिक स्टडीज वी डोंट यूज द फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फाइलोजेनी टर्म थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करवा दूंगा कि फाइलोजेनी बेसिकली इसका कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो राइट नो यू जस्ट ट्रस्ट दैट फाइलोजेनी का मतलब हुआ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लेते हैं बेटर वे में। तो फिनेटिक्स में स्टूडेंट एक चीज याद रखना कि फिनेटिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिक्स यूज करते हैं, मतलब जैसे हम कुछ नंबर यूज करते हैं, तो उसके बेस पे हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिनेटिक्स को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्यों कहा हमने, क्योंकि इसमें हमने कुछ नंबर यूज किए। जैसे लेट्स सपोज हमने फिनेटिक के बेस पे सिस्टम को एक सॉरी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कुछ लेट्स सपोज जैसे टू ऑर्गेनिज्म है तो हमने उनको क्या करना है, क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उनके जो ऑब्जर्वेबल सिमिलरिटीज हैं, ओवरऑल जो सिमिलरिटीज हैं उनको काउंट करेंगे और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर लेंगे। काउंट कैसे करेंगे, जैसे लेट्स सपोज एक ऑर्गेनिज्म है उसमें कोई एक करेक्टर है तो हम लिखेंगे उसके लिए प्लस, हमने प्लस लिख दिया। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं है तो उसमें हमने वो करेक्टर क्या किया, माइनस लिख दिया, ठीक है। और अच्छा, लिखेंगे किसकी हेल्प से, बेसिकली ये जो फिनेटिक स्टडीज होती हैं, जो फिनेटिक टैक्सोनॉमी है, ये कंप्यूटर बेस्ड एक एनालिसिस होता है, मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम बेस होता है। कंप्यूटर इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, ओवरऑल सिमिलरिटी यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई एक करेक्टर है, कोई एक करेक्टर, इसको बेटर वे में थोड़ा सा मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ।
क्यों हमने कहा कि मतलब इसमें हम ओवरऑल सिमिलरिटी यूज करते हैं। ओवरऑल सिमिलरिटी हमने इसलिए कहा कि हम ओवरऑल सिमिलरिटी यूज करते हैं क्योंकि लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी कलर की। लेट्स सपोज दो ऑर्गेनिज्म है तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एक कलर है तो दूसरे में वो कलर नहीं है, ठीक है। तो हम जिसमें प्रेजेंट है कलर तो उसमें हम प्लस लिख देंगे या वन लिख देंगे, ठीक है। और जिसमें नहीं है, जिसमें नहीं है तो उसमें हम क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, ठीक है। उसमें हम जीरो लिख देंगे मतलब प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। तो बेसिकली हमने ओवरऑल कैरेक्टर यूज किया और ओवरऑल कैरेक्टर जो हमने यूज किया उन कैरेक्टर्स को हमने मतलब एक स्पेशल अटेंशन नहीं दी, मतलब उन कैरेक्टर्स को हमने मतलब हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज एक कलर उसमें प्रेजेंट था तो हमने इस फिनेटिक्स में ये नहीं बताया कि उसमें कलर कितना था। आप समझ रहे हो, बेसिकली इसमें ओवरऑल जो वेटेज होती है वो ओवरऑल सिमिलरिटी को दी जाती है, मतलब इसमें ओवरऑल वेटेज जो है वो किसको दे रहे हैं, एक मतलब नंबर को दे रहे हैं, मतलब कोई चीज उसमें है तो है, हम ये चीज नहीं बता रहे कि उसमें वो कितनी है, कम है ज्यादा है, कोई करेक्टर उसमें है तो है। कंप्यूटर सिस्टम ये बताएगा कि इसमें वो करेक्टर है, एक स्पीसीज में वो करेक्टर है तो दूसरी में नहीं है, ठीक है। तो वो ये चीज नहीं बताएगा कि वो करेक्टर इसमें कितना है, ठीक है, मतलब टू हाउ मच एक्सटेंट दैट करेक्टर इज प्रेजेंट, ठीक है। बात समझ आ रही है, ओके, ठीक है। तो फिनेटिक्स का रियल मीनिंग ये है। तो इसमें आपको सीधा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिलेगा वो ये मिलेगा, उसमें ये पूछ सकते हैं आपको कि फिनेटिक्स जो है इसमें हम कुछ करेक्टर यूज करते हैं तो बेसिकली वो करेक्टर कौन से यूज करते हैं। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा ओवरऑल सिमिलरिटी, बाकी तीन ऑप्शन जो होंगे वो अदर होंगे। तो आपको वहां से ये चीज याद रखनी है, और या फिर वो कर सकते हैं कि फिनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स यूज करते हैं तो उसको हम उसके बेस में हम उसको क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। और थर्ड एक और चीज है कि फिनेटिक्स में वहाँ यूज किया होगा स्टेटमेंट या कुछ एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो वहाँ भी आपको ये भी याद रखना है कि इसमें फाइलोजेनी मतलब जो होती है, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसमें हम नहीं देख सकते क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये एक टैक्सोनॉमी का सिस्टम है तो इसमें हम कंप्यूटर जो है ये फाइलोजेनी स्टडी नहीं करेगा, वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर काउंट करेगा, एक में है दूसरे में नहीं, ठीक है, ओके। सो ओके, यू मस्ट आल्सो रिमेंबर द फिनेटिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, फिनेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि स्पेस हमारे लिए अच्छी सी हो जाए। फिनेटिक क्लासिफिकेशन, फिनेटिक क्लासिफिकेशन यूनिट्स, फिनेटिक क्लासिफिकेशन यूनिट आर आल्सो आर कॉल्ड एज OTU. What do you mean by OTU? Operational Taxonomic Unit. Operational Taxonomic Unit. ठीक है? Let me repeat again. The phonetic classification unit, मतलब unit जो phonetic classification में use किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, OTU. OTU का मतलब हुआ operational taxonomic unit, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो phonetic में unit use होते हैं उनको हम operational taxonomic unit कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और term है जो बहुत important है, phonetic के related है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ term पता होनी चाहिए और जितना आपके लिए जरूरी है अप टू मतलब योर लेवल, ठीक है, जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है वो मैं आपको इसके रिलेटेड बताऊंगा। तो फिनेटिक्स, ठीक है, तो लिसन केयरफुली, द क्लासिफिकेशन ट्री मतलब कि क्लासिफिकेशन ट्री जो हम बनाते हैं फिनेटिक की
हेल्प से क्लासिफिकेशन ट्री बेस्ड ऑन फिनेटिक्स बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ट्री बेस्ड ऑन फिनेटिक्स उस क्लासिफिकेशन ट्री को हम क्या कहते हैं डेंड्रोग्राम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और स्टूडेंट यू कीप इन योर माइंड, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन ट्री बेस्ड ऑन फिनेटिक्स कॉल्ड एज डेंड्रोग्राम। तो मतलब उस ट्री को हम क्या कहते हैं डेंड्रोग्राम कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है डेंड्रोग्राम क्या, व्हाट इज डेंड्रोग्राम। डेंड्रोग्राम इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच इज यूज्ड ऑन फिनल व्हिच इज यूज्ड ऑन सॉरी फिनेटिक और एक और टर्म है फिनेटिक्स को हम फिनॉन भी बोलते हैं। ठीक है, फिनॉन। तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि फिनोटिपिक क्लासिफिकेशन यूनिट को हम ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट कहते हैं, तो इनको हम फिनॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिनॉन्स के बेस पे फिनेटिक्स के बेस पे जो क्लासिफिकेशन ट्री बनता है उसको हम डेंड्रोग्राम कहते हैं। डेंड्रोग्राम का ग्रीक वर्ड होता है डेंड्रो का मतलब होता है ट्री। ठीक है, डेंड्रो का मतलब क्या है ट्री और ग्रामा का मतलब होता है ड्रिंक। तो पूरा मतलब क्या हुआ ट्री ड्रिंक। ठीक है, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट आ गया एक टर्म आपकी जो मैंने आपको बताई थी फाइलोजेनी। थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ फाइलोजेनी। यहाँ पे आपको सिर्फ फाइलोजेनी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फाइलोजेनी को सिर्फ हमने क्या करना है डिफाइन करना है। फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके, सो लेट मी रिपीट अगेन। फाइलोजेनी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आगे जब हम इस टर्म को और डिटेल में पढ़ेंगे, जब ये आगे टर्म डिटेल में आएगी तो इसके ऊपर और भी डिस्कशन करेंगे। राइट नो यू ओनली रिमेंबर दैट फाइलोजेनी इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली जो मेरी वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट में इसको लाइक करें शेयर करें ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है उन तक ये पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।